ऐसे लोगों को क्यों आपत्ति आपसे? देखिए भगवान, ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है तो प्रायः वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने की और उसे बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ने की पूरी कोशिश करती दिखाई दी। बजरंग बली का नाम इस तरह से चुनाव में खिसता दी और पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है। और बजरंग बली के ऊपर बैन लगाना या बजरंग दल, एक विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर बैन नहीं लगा सकते हैं आप हमारे राष्ट्र में। बाबा जी, बिहार के मंत्री हैं तेज प्रताप, उनके ये शब्द हैं कि बाबा बागेश्वर को बिहार में घुसने नहीं देंगे। भगवान की इच्छा, हनुमान जी की इच्छा पर हम चलते हैं, बालाजी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। हिंदू राष्ट्र पर जो बयान आप देते आए, वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? जिस तरह की स्थिति बन रही है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है, ये कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर और महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। आपके इन्हीं भाषणों के और इन्हीं हिंदू राष्ट्र की बात करना या फिर धार्मिक बात करने को लेकर आपको नोटिस भी दी गई है कि कोई ऐसी बात आप हमें कोई दिक्कत नहीं, नोटिस हमें स्वीकार है। हम प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे वैमनस्यता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है ना, तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोलें, हम किसी भगवान के खिलाफ बोलें, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोलें, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलें पर्टिकुलर, तो बात अलग है। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये वैमनस्यता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी धर्म घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ जातिवाद की पाठ को दूर करना।